अस्सलाम वालेकुम, हम सीख रहे हैं इंग्लिश और जर्मन स्टेम बाय स्टेम बेसिक से अध्याय संताज लेसन नंबर है 172। हम सीखेंगे ट्रैवल टू, तो चलते हैं देखते हैं क्या लेसन है। Wir bleiben drei Wochen in Frankreich. Wir bleiben drei Wochen in Frankreich. इसके माने होते हैं हम फ्रांस में 3 हफ्ते कयाम करेंगे या हम फ्रांस में 3 हफ्ते रुकेंगे। इसी जुमले को किस तरह बोलेंगे हम इंग्लिश में? वी आर स्टेइंग इन फ्रांस 3 वीक्स। हम फ्रांस में 3 हफ्ते रुकेंगे। आगे बढ़ते हैं। वो इस्ट माइने फ्लूक नंबर, इसके माने होते हैं मेरा फ्लाइट नंबर कहाँ है, मेरा फ्लाइट नंबर कहाँ है। इसी जुमले को किस तरह बोलेंगे हम इंग्लिश में? Where is my flight number? मेरा फ्लाइट नंबर कहाँ है? वो इस माइन फ्लोक नंबर। आगे बढ़ते हैं। How do you say weeks? Weeks को आप कैसे कहते हैं? Weeks के माने होते हैं हफ्ते, तो weeks को आप जर्मन में क्या बोलेंगे? Wochen. आगे बढ़ते हैं। Oh nein, wo ist mein Visum? Oh nein, wo ist mein Visum? इसके माने होते हैं ओ नहीं, मेरा वीज़ा कहाँ है? ओ नहीं, मेरा वीज़ा कहाँ है। इसी जुमले को किस तरह बोलेंगे हम इंग्लिश में? ओ नो, वेयर इज माई वीज़ा? ओ नहीं, मेरा वीज़ा कहाँ है। आगे बढ़ते वो इज़ डेयर सोल। वो इज़ डेयर सोल, इसके माने होते हैं कस्टम कहाँ है, कस्टम्स कहाँ है। इसी जुमले को किस तरह बोलेंगे हम इंग्लिश में? Where is customs? Customs कहाँ है। आगे बढ़ते हैं। How do you say visa? Visa को आप कैसे कहते हैं जर्मन में? Visum. Visum. आगे बढ़ते हैं। Wie lange machen Sie Urlaub in Österreich? Wie lange machen Sie Urlaub in Österreich? इसके माने होते हैं आप ऑस्ट्रेलिया में कितनी देर वेकेशन कर रहे हैं, आप ऑस्ट्रेलिया में कितनी देर छुट्टियां कर रहे हैं। इस तरह बोल लें, वेकेशन कहते हैं छुट्टियां मनाने को। तो इसको दोबारा करते हैं हम। Wie lange machen Sie Urlaub in Österreich? Wie lange machen Sie Urlaub in Österreich? इसके माने होते हैं आप कितनी देर ऑस्ट्रेलिया में वेकेशन कर रहे हैं। इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे इस जुमले को? How long are you taking a vacation in Australia? आगे बढ़ते हैं। How do you say flight number? Flight number को आप कैसे कहेंगे जर्मन में? Flugnummer. आगे बढ़ते हैं। प्यार मैच करते हैं, रिच के माने होते हैं अमीर, तो जर्मन में क्या बोलते हैं रिच को? Reich. और के माने होते हैं या, तो जर्मन में क्या होगा? Oder. ऑलवेज के माने होते हैं हमेशा, तो जर्मन में क्या होगा? इमा। बेड, बेड के माने होता है बिस्तर, तो जर्मन में क्या होगा? बेट। कस्टम्स को क्या बोलते हैं जर्मन में? सॉल। आगे बढ़ते हैं। हाउ डू यू से कस्टम्स? कस्टम्स को आप जर्मन में क्या बोलेंगे? सॉल। आगे बढ़ते हैं। प्यार मैच करते हैं, वीजा को क्या कहते हैं जर्मन में? वीजम। स्वीट, स्वीट के माने होते हैं मीठा, तो जर्मन में क्या होगा? सुइस। फादर को क्या बोलते हैं जर्मन में? फाटर। टू के माने होते हैं दो, तो जर्मन में क्या बोलेंगे टू को? ज्वाई। एंड, एंड के माने होता है और, तो जर्मन में क्या बोलेंगे और को? उंट। आगे बढ़ते हैं। कैन प्रॉब्लम वी इज़ इयर फ्लूगनुमर फ्राउ डीट्रिच। Kein Problem, wie ist Ihre Flugnummer, Frau Tourist? इसके माने होते हैं कोई बात नहीं, आपका फ्लाइट नंबर क्या है मिस डिटरिश। इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे इस जुमले को? No problem, what is your flight number, Miss डिटरिश?
पेयर मैच करते हैं वीक्स, वीक्स के माने होते हैं हफ्ते, तो जर्मन में क्या होगा? वाहन। सूप को क्या बोलते हैं जर्मन में? जोपे। डॉटर के माने होते हैं बेटी, तो जर्मन में क्या होगा? टॉक्टर। गो के माने होते हैं जाना, तो जर्मन में गो को क्या बोलेंगे? गेन। चीप, चीप के माने होता है सस्ता, तो जर्मन में क्या बोलेंगे चीप को? बिलिश। आगे बढ़ते हैं। Wie lange machen Sie Urlaub in Österreich? ये भी हम कर चुके हैं पीछे, इसके माने होते हैं, पहले हम इसको पढ़ते हैं। Wie lange machen Sie Urlaub in Österreich? इसके माने होते हैं आप ऑस्ट्रेलिया में कितनी देर वेकेशन कर रहे हैं। नहीं चलेगा, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो आज का लेसन, अगले लेसन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।